वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मुंबई स्टाइल मटन कीमा। इसे हम यहाँ पर पाव के साथ खाते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मटन कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन को अच्छे से धो के इसका पानी ड्रेन कर लिया है। मटन कीमा बनाने के लिए मैंने 5 प्याज को बारीक काट लिया है। 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। थोड़ा सा करी पत्ता, नमक, हल्दी पाउडर और हरा मटर ले लिया है। सबसे पहले कुकर में तेल को गरम कर लेंगे। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज लाल हो रहा है तब तक बाकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया है, जावित्री, काला मिरी अखा, लौंग, चक्रफूल, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, 10 से 12 मैंने तीखा वाला हरा मिर्ची ले लिया है और बहुत सारा हरा धनिया ले लिया है। अब इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। मिक्सर जार में मैंने धनिया ले लिया है। अब डालेंगे इसमें हरा मिर्ची और सारे अखा मसाला डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसाले का एक बारीक पेस्ट बना लेना है। प्याज लाल हो गया है, अब इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिला के 2 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे मिला लेंगे। हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मटन कीमा डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। कीमा को इस तरह से मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। कीमा अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। 6 सीटी होने के बाद इसका प्रेशर निकल गया है। अब कुकर खोल के इसमें डालेंगे हरा मटर और हरा मसाला जो हमने रेडी किया था वो डाल देंगे। सब डाल के कीमा को अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। मसाला को अच्छे से मिला लेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे ढक के और पकने देंगे। सीटी नहीं लगाना है, इसे खाली ढक के ही पकाना है और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। 15 मिनट बाद अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के इसे मिला लेंगे और 5 मिनट तक और ऐसे ही खुला इसे पकने देंगे। 5 मिनट बाद कीमा अच्छे से पक गया है। अब गैस को बंद कर लेंगे और इसका प्लेटिंग कर लेंगे। मटन कीमा बनके रेडी हो गया है। आप इसे पाव के साथ खाएं। पाव के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।